दयानंद सरस्वती ने पूछा था कि जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को जानते कैसे होगे। जी हम लोग पढ़ सकते हैं, जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे। जी बिल्कुल हम जानते हैं सृष्टि का हाल, इसीलिए तो आपको बताए कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसी हुई परमेश्वर को छोड़कर, और विज्ञान भी इस बात को मान चुकी है। लेकिन क्या आप सृष्टि का हाल जानते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। अब इस पूरे कांड में इस ईसाई राइसबैग ने बहुत सारे बाइबल के वचनों का उसने संदर्भ दिया है। मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि इसके प्रत्येक बाइबली वचन का एक विरोधाभासी वचन बाइबल में ही है। सुनिए, सबसे पहले जीसू कहता है मत्ती 24:36 और मरकुस 13:32 में कि प्रलय अर्थात अंतकाल अर्थात कयामत के बारे में उसे कोई इल्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। फिर यही जीसू जॉन 14:2 में कहता है कि वो अपने अब्बा के घर जा रहा है ताकि प्रलय काल के समय ईसाइयों के लिए वो तरह तरह के महल और किले बना सके। आपस में ही विरोधाभास है, जिसको प्रलय काल का ज्ञान नहीं है, जिसको कयामत का ज्ञान नहीं है, वो कयामत के बाद और कयामत के समय ईसाइयों को बचाने के लिए स्वर्ग में जन्नत में महल बनाने कैसे जा सकता है, महल बनाने का सोच भी कैसे सकता है। और भी देखिए, ये ईसाई कहता है कि 2 क्रॉनिकल्स 2 इतिहास 6:18 में लिखा गया है कि जीसू या जो जेहोवा है वो कभी किसी एक स्थान पर रुक नहीं सकता, वो उसका शख्सियत इतना महान है कि आप उसे एक स्थान पर सिमट के नहीं रख सकते। तो मेरा प्रश्न ये है कि तुम लोग इतने सारे ग्रोटो, चर्च, प्रेयर हॉल, कैथीड्रल, पैलेस क्यों बनाते हो? तो तुम क्यों लड़ रहे हो जेरूसलम में टेंपल माउंट के लिए? क्यों सोलोमन ने चर्च बनाया था ईसाई खुदा के लिए? क्यों एक्सोडस और जेनेसिस में तंबू बनाए गए थे यहोवा के रहने के लिए? क्यों? ऊपर से Psalms 146:6 में भी वही कहा है कि सब कुछ तुम्हारे ईसाई खुदा के अंदर है, तो तुम लोग चर्च बनाते क्यों हो? अब और आगे देखो, Psalms 146:6 में कहा गया है कि ईसाई खुदा कभी अपने भक्तों के साथ दगाबाजी नहीं करता। Psalms 146:6 में वही Acts 7:42 में लिखा गया है कि जीसू के बाप जेहोवा ने इसराइलियों से गुस्सा होकर उनसे मुंह मोड़ लिया, पीठ फेर लिया और उन्हें हारने और गुलाम होने के लिए विवश कर दिया। यानी इसमें विरोधाभास है, एक तरफ क्या जीसू का बाप गद्दारी करता है अपने शागिर्दों के साथ, एक जगह लिखा है कि नहीं करता है, दूसरी जगह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो गद्दारी करता है। फिर 3:32 सेकंड में तूने ये कहा पास्टर कि बाइबल विज्ञान ज्ञान का पुस्तक नहीं है, इसके लिए तूने प्रमाण दिया 2 तिमोथी 3:15-17 कि ये मुक्ति का किताब है। लेकिन Proverbs 2:6 में ये कहा गया है कि यहोवा ने बाइबल दिया है, ओल्ड टेस्टमेंट दिया है, ताकि वो अपना सारा ज्ञान विज्ञान समझ चतुराई अपनी जबान से बयान कर सके। बाइबल में एक जगह लिखा है कि वो ज्ञान का पुस्तक नहीं है, एक जगह लिखा है कि वो ज्ञान का पुस्तक है, तो हम किसको माने? तो तूने जो बाइबल के वचनों को खोज कर दिखाया है उसमें ही विरोधाभास है, और इन्हीं विरोधाभासों के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ठीक ही कहा था कि बाइबल ईश्वरीय पुस्तक नहीं है, खुदाई किताब आसमानी किताब नहीं है।